खुशखबरी ये थी आप लोगों के लिए कि जो और आज की डेट की बात करूं मैं तो उनका वही झगड़ा चलता है वहां आएंगे, है ना। बाकी वो ऐसा कुछ नहीं सोचता है, वो सामने वाले का नहीं देखता है कैसे पास होगा, तो माँ की टेंशन आप सभी लोग जानते होंगे, है ना। बाकी देखते हैं, इसी के साथ आज की गुड न्यूज़ आपको भी बता दी मैंने। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं रेखा पवार की तरफ से प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है रेखा पवार और मेरे गांव का नाम है बरसारी, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत ना सुबह के 6:30 से हो रही है। किचन में आते ही मैंने झाड़ू लगाया और मतलब आग जला दी है। अब चाय रखते हैं, उसी के साथ आटा गूंद देते हैं और नाश्ता बना के ना थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। सुबह के नाश्ते के लिए मैंने आटा भी निकाल दिया है और यहाँ पर ना चाय रखी हुई है गैस में। बाकी आटे पर रोज मुझे डांट पड़ती है कि तो ज़्यादा निकाल देती है, कहते हैं ज़्यादा जितना खाना बचता है ना उतना इंसान बीमार हो जाता है। चलिए भाई दोस्तों, थोड़ा सा आटा गूंदने के बाद मैंने निकाली है एक तो से चाय, थोड़ी सी पीती हूँ सुबह के टाइम पर, और अब रोटी बनाएंगे थोड़ी देर में। तो चलिए जी, नाश्ता करने के बाद ना मेरी भी हो गई है सॉल्टी रख के खेत जाने की तैयारी, और सुबह का मौसम दिखा देती हूँ आपको। तो लीजिए दोस्तों, सुबह के नज़ारे का आनंद लीजिए। खूबसूरत सी धूप के साथ एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। नीचे वाले खेतों में देखिए, इसको कहते हैं जौ, जो कि हो चुके हैं, और अभी गेहूं तो थोड़ा हरे हैं लेकिन जौ हो चुके हैं। और इधर साइड देखेंगे तो सूर्यदेव भी बहुत कड़कती धूप लेके आ चुके हैं। खेतों में होने वाले हैं बुरे हाल, और थोड़ा जल्दी जाना चाहिए था लेकिन काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है मुझे। खड़ वाले खेत जिसमें कि ना छंटे छंटे गेहूँ रखे हैं, कुछ बालियाँ हो चुकी हैं क्योंकि वो गेहूँ थोड़ा अलग रहे होंगे, और कुछ बालियाँ ना अभी नहीं हुई हैं। मॉर्निंग के टाइम से ही सुनसान मौसम और उसके साथ मतलब भरा भरा खेत थोड़ा आनंदित लगते हैं, लेकिन थोड़ा अकेला भी फील होता है क्योंकि ना कोई भी दोस्त नहीं है यहाँ। और आजकल की धूप तो ऐसी लगती है कि मतलब 8:30 हो रहा है अभी, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे दोपहर के ना 2 बज गए होंगे। इसी के साथ मैं चली अपने जो पानी वाले खेत होते हैं यानी कि जो शोहरा कहते हैं, वहाँ जा रही हूँ। और पहले घास निकालना है, बाद में वहीं बीज के लिए हमने ना कुदाल से वो भी करना है, वो तो सासू जी करेंगे, लेकिन मैं घास लेके ना खाना बनाने के लिए जल्दी आऊँगी घर। तो चलिए भाई दोस्तों, 10 बजे अभी ठीक 10 बज रहे हैं और मतलब धूप ज़्यादा नहीं आई है, तो 10 बजे तक ना मैंने घास की सॉल्टी एकदम मस्त करके फुल भर के निकाल दी है। अब मैं घर की तरफ चल रही हूँ। बाकी आज सुबह से ही एक बहुत अच्छी खुशखबरी मिली है मुझे, जिसे मैं आपको सुनाने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब हूँ। तो थोड़ी देर में ना वो खुशखबरी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अभी मैं फ़िलहाल चल रही हूँ घर, और ज़्यादातर मेरी ही रहती है, लेकिन जिस दिन ना दूर जाती हूँ जंगलों की तरफ, उस दिन सासू जी और लोग बना लेते हैं। तो अभी मैं घर चलती हूँ। सुबह चने भिगा रखे थे, उसका फाड़ा बनाएंगे, तो देखते हैं क्या क्या होता है, और थोड़ी देर में ना घर पे मिलती हूँ आपको, ठीक है। तो दोस्तों, घर पहुँचते ही मैं थोड़ा नहा गई थी क्योंकि ना काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा ठंडे माहौल में नहा लेती हूँ। बाद में पानी भी गर्म हो जाता है और फिर गर्म वाला फील आता है नहाने के बाद। तो टाइम काफ़ी था, मतलब 10 बज रहे थे, तो अभी 10:30 मतलब 11 बजने वाले हैं। तो आप खाने की तैयारी करते हैं, खाना बनाते हैं, और थोड़ी देर में मिलती हूँ और खाना भी दिखाती हूँ कि क्या बना रही हूँ। गैस पे ना चावल चढ़ाने के बाद यहाँ पर देखिए जो चने हैं सुबह से रखे हुए हैं, कुछ मैंने पीस दिए हैं। बाकी दोस्तों, जो चना होता है उसको हम सिलबट्टे पर पीसते हैं क्योंकि हमारे पास ना मतलब मिक्सी वगैरह नहीं है। तो ये चने जो हैं सुबह गर्म पानी में भिगो रखे थे और अभी अच्छे से भीग भी चुके हैं, तो इसको सिलबट्टे में अच्छी तरीके से बारीक पीस दूंगी और इसको पीस के और फिर थोड़ी देर में साग बनाएंगे। बाकी दोस्तों, जो फाड़ा है उसको पीसने के बाद मैंने रख दी है कढ़ाई चूल्हे पे, जो कि गर्म हो चुकी है। सासू जी भी आए तो उनके लिए ना सबसे पहले चाय चाहिए होती है, तो चाय रखी हुई है मैंने थोड़ी थोड़ी। और बाकी ना इसमें तेल डाल देंगे सबसे पहले। तो परसों की वीडियो में किसी ने बोला था कि सिखा देना बोले हमको कैसे बनाते हैं, तो आज मैं उसी को दिखाऊंगी थोड़ा।
गरम होने के बाद सबसे पहले हम कढ़ाई में ज़रूरत अनुसार तेल डाल देंगे और उसको गरम होने देंगे। और वैसे ना जो चना होता है उसका पीसे हुए, मतलब जो पिसा हुआ चना होता है, उसके काफ़ी अच्छे पकोड़े भी होते हैं, लेकिन आज चने कम भिगाए थे जिसकी वजह से हम आज नहीं बना सकते। और जो फाड़ा है उसके तड़के में हम लोग ना सरसों के बीज नहीं डालेंगे, जीरा डालेंगे। जीरा का काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो अभी कढ़ाई भी गर्म हो ही चुकी है, मतलब धुआं निकलने लग गया है इससे। इसको अच्छी तरीके से चटकने देंगे और उसके बाद डाल देंगे इसमें फाड़ा। और फाड़े में नमक मिर्च और हल्दी वगैरह भी मिला देंगे। थोड़ा बहुत पानी डालकर इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे सबको। हाथ साफ है, कोई ऐसा ना बोले कि हाथ से कर रहे, ठीक है। बाकी गैस को कर देंगे फुल और इसको डाल देंगे। इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा पड़ गया है। अब इसको लगातार हम इसी तरीके से कढ़ाई लगाते रहेंगे। वैसे इसमें इतना पानी नहीं पड़ना चाहिए था पहले ही, थोड़ा देर इसको मतलब अच्छी तरीके से, तो कोई बात नहीं, थोड़ा ज़्यादा भी पड़ जाए लेकिन इसका जो टेस्ट आता है वो इसी में आता है अगर हम इसको लगातार कड़छी लगाते रहेंगे। तो करीब 10 से 15 मिनट तक हम इसको इसी तरीके से लगातार कड़छी लगाते रहेंगे और अच्छी तरीके से, जब ये नीचे से इस तरीके से जलने लग जाए ना यहाँ नीचे, तब समझा जाएगा इसकी जो खुशबू है वो काफ़ी अच्छी आती है। थोड़ा थोड़ा ना चेंज होने लग गया है इसको, मतलब लगातार कड़छी लगाते मुझे 5 मिनट हो चुके हैं और अच्छी तरीके से इसका कलर भी आने लग गया है। और अच्छी तरीके से पकाने के बाद ना अब इसमें हम पानी डाल देंगे। जितना चाहिए होगा मतलब, ओके। चलिए जी, साग बनके तैयार हो चुका है। इसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है। बाकी अब इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं। कपड़े थे ना वो मैंने धो के सुखाने डाल दिए हैं और खाना खाने सभी लोग चले गए हैं। बाकी मैं भी चलती हूँ और थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे जब खाना खा के रूम पे आ जाऊंगी। तो बाकी दोस्तों, खाना खाने के बाद मैं अपने शयन कक्ष में आ चुकी हूँ और मम्मी का कॉल आया था कल रात को। तो वैसे तो मेरी बात होती रहती है लेकिन आप लोगों के लिए इसलिए बोली हूँ कि जिसका डर था वो नहीं हुआ, मतलब मुझे काफी ज्यादा डर था उस बात का। तो बाकी शुभम की बात चल रही थी, मैं अपने भाई छोटे भाई की बात कर रही हूँ। तो काफ़ी टाइम से उसका यही, मतलब इन चीज़ों में मुझे बिल्कुल उस पर किसी भी चीज़ पर भरोसा ही नहीं रहता, वो कर देगा। बाकी माँ को जब भी कॉल करो तो मम्मी पापा, मेरे तो उससे लड़ाई हो रखी है, बाकी माँ और पापा जब भी कॉल करते तो उसी की बात आती है कि तू उसको समझा दे, तूने बिगाड़ रखा उसको, है ना। ऐसी काफ़ी बातें सुनी है मैंने कि तूने, तेरी वजह से बिगड़ा है वो। तो होता ही है, अगर घर में सबसे छोटा बच्चा जो होता है सबसे ज़्यादा शरारती भी और सबसे ज़्यादा लाड प्यार भी उसी को दिया जाता है। तो शुभम जो है, यानी कि मेरा छोटा भाई, वो काफ़ी टाइम बाद, यानी कि मेरे से 7 साल छोटा है। तो जैसे मैंने आपको अपनी फैमिली प्रॉब्लम बताई थी, पहले से ही मेरे माँ पापा ने मतलब बच्चों के प्रति, यानी हमारे प्रति काफ़ी सारा भुगत रखा है, मतलब जब हमारे टाइम पे, है ना, मतलब बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा वो कर रखा है, स्ट्रगल कर रखा है। तो मेरे से बड़ी थी एक मेरी बहन और एक मेरे से छोटी थी जो कि मतलब गुजर चुके थे। तो उसके बाद मतलब एक मेरे से बड़ी थी, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, मतलब 25-26 साल की।
तो वो ख़त्म हुई थी 5 साल की। बाकी उसके बाद मैं थी और मेरे बाद एक दूसरी छोटी बहन थी मेरी, तो वो 1.5 साल की ख़त्म हो गई थी। तो बाकी उसके बाद 7 या 8 साल के बाद तब जाकर हमारे घर में शुभम जैसे बच्चे का प्रवेश हुआ था। बाकी शुभम बचपन से ही उसको ऐसे ही मतलब लाड प्यार देते रहे सभी लोग, है ना, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हमारे घर खुशी आई थी। और जो मतलब अब सब सब तो नहीं समझ सकते ये, लेकिन जिनके पास नहीं होती है ये चीज़ें वो जानते होंगे कि एक मतलब भाई की कीमत क्या होती है, एक भाई, है ना। तो बाकी शुभम को बचपन से ही पापा और मम्मी ने ना पैसे दे के कोई भी चीज़ खिलाई है, मतलब इतना इतना खुश रहते थे अंदर से कि कब मेरा बच्चा दुकान में जाए, कब वो कुछ लेके आए, है ना, छोटे से बचपन से। और कहते हैं कि बचपन की आदतें कभी नहीं जाती हैं, तो हम बहुत खुश होते थे कि जब वो दुकान में पैसे लेके जाता था, दुकान से उसके लिए कुछ हम लोग लेके आते थे। तो भले गरीबी पहले से ही रही, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन शुभम के लिए हमेशा से ऐसे रहे कि पापा सतर्क रहे बिल्कुल कि हाँ उसके लिए हमने कोई कमी नहीं छोड़नी है, भले वो कल के डेट पे माने ना माने वो शुभम ही जाने, लेकिन हमने तन मन से जितना हो सका मैं उसकी वजह से मतलब अपने छोटे भाई की के पालन पोषण की वजह से यानी कि उसको देखने की वजह से आज तक कभी मैंने खेलने भी नहीं गई। मैं इतना मतलब मैं ये नहीं बोली कि मैंने किया है, लेकिन हमारे लिए इतना स्पेशल था वो कि मम्मी मतलब काम करने में अकेली थी तो मैं ही उसके पास रहा करती थी। सुबह के टाइम पे स्कूल था, शाम के टाइम पे और जो मेरे दोस्त लोग हैं वो घूमने जाते थे या अपना होमवर्क कर लेते थे जो स्कूल से मिला रहता था, लेकिन मेरे पास अलग से ड्यूटी रहती थी शुभम को देखने की। तो पहले से ही उसके मतलब मम्मी के साथ मैंने इन्हीं चीज़ों को देखा है, काम को देखा है। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि आपकी उम्र छोटी है, आप छोटी उम्र में इतना सारा काम कैसे जानते हो, तो मैंने बचपन से ही काम करा है, मैं कभी आज तक खेलने में नहीं गई हूँ। तो बाकी अब शुभम बड़ा हो चुका है लड़ाई करने लायक कहा जाए तो, बाकी काफ़ी लड़ाई होती है या बोलने वाला भी हो गया है, तो गर्व तो काफ़ी है कि हम, है ना, हमारे हमारे यहाँ भी कोई लड़ने वाला हो गया है। हम दोनों को जब लड़ाई होती थी भाई बहनों को, तो वो चीज़ अब बड़ी याद आती है कि खाने पे हमको बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी कि उसने वो चीज़ खा ली मैंने नहीं खाई, है ना, इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती थी हमारी। बाकी आज की बात करूँ मैं तो यहाँ कोई भी चीज़ होती है ऐसे ही पड़ी रहती है, मतलब अगर मैंने खा ली तो खा ली, बाकी छोटी मोटी चीज़ जैसे लड्डू वगैरह होते हैं कि कोई बिस्किट का पैकेट आता है तो आते ही सबसे पहले वो सांप हो जाता था, है ना। और आज की डेट की बात करो मैं तो उनका वही झगड़ा चलता है वहाँ, क्योंकि वो जो भी चीज़ आता है वो खुद ही साफ कर देता है और किसी को पता भी नहीं लगने देता कि यहाँ ये चीज़ आई थी। बाकी मैं अपनी बात करूँ तो गांव में जो पेड़ा वगैरह आता है तो मैं सबके लिए बचा के रख देती थी कि जब सब लोग आ जाएंगे तब खाएंगे, है ना। बाकी वो ऐसा कुछ नहीं सोचता है, वो सामने वाले का नहीं देखता है, पर जो भी है बड़ा गर्व है कि चलो हमारे यहाँ, है ना। तो बाकी बात ये थी, खुशखबरी ये थी आप लोगों के लिए कि जो शुभम है मेरा भाई वो पास हो चुका है। तो वो अभी 11वीं में था, अब 12वीं में चला गया है, तो 11वीं क्लास उसने पास कर दी है। तो काफ़ी ज़्यादा डर रही थी मैं, क्योंकि वो स्कूल बहुत कम जाता है, टीचरों की शिकायत भी आती है। मैं भले पढ़ने में कम रही होंगी लेकिन मैंने स्कूल में प्रेजेंट हमेशा रही मैं, है ना, हाजिरी मेरी हमेशा रही है और हाजिरी बराबर रहती है। भले ही मैं पढ़ती थी बहुत ज़्यादा, लेकिन घर के काम के साथ उतना ही हो पाता था, है ना। पढ़ाई में तो मैं भी बहुत तेज नहीं थी, लेकिन उसका काफ़ी ज़्यादा डर था, मुझे लगा कि वो बस नहीं हो पाएगा, लेकिन भगवान जी की कृपा है चलो हो गया, पास हो गया। बाकी 12वीं की क्लास तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, तो आप लोगों से मिलवाती रहूँगी उसको भी साथ साथ में, ठीक है। बाकी शुभम के लिए एक कॉन्ग्रेचुलेशंस ज़रूर लिखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी बात है उसके लिए, क्योंकि स्कूल तो हो गया नहीं टाइम पे, और जब भी फ़ोन करो तो मम्मी को सुबह हो कि हेलो मम्मी क्या कर रहे हो, कि हाँ ये होगा स्कूल नहीं जा रहा, वैसे वैसे कैसे पास होगा, तो माँ की टेंशन आप सभी लोग जानते होंगे, है ना। बाकी देखते हैं, इसी के साथ आज की गुड न्यूज़ आपको भी बता दी मैंने, है ना। बाकी सच में मुझे यकीन नहीं था कि वो पास हो जाएगा,
काफी टाइम पहले से, क्योंकि हर रोज यही होता है। मैं टीचरों को या मैडम लोगों को कॉल करती हूँ, पहले करती थी, अब मैं तो करती भी नहीं हूँ। बाकी पढ़ने में तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो पढ़ने में नहीं है, लेकिन स्कूल नहीं जाता, छुट्टियाँ बहुत करता है, दिमाग उसका काफी तेज है। पहले मतलब जब छोटे छोटे क्लासों में था तो फर्स्ट सेकंड ऐसा आता था, बस जैसे ही बड़े बड़े क्लासों में जा रहा है नील नील होता जा रहा, और असर होता ही है थोड़ा है, कभी दोस्तों का कभी ऐसे ही होता है, प्रभाव पड़ ही जाता है, पता नहीं तब बिगड़ गया, अब क्या बोल सकते हैं। बाकी कोई नहीं, अभी वो ब्लॉग देखेगा तो मेरी खैर नहीं है, बाकी उसकी इतनी बेइज्जती करूंगी। बाकी छोटा है अभी, अक्ल नहीं है उसको थोड़ा, लेकिन टाइम आने पर वो भी ठीक हो जाएगा। बाकी थोड़ी देर में मिलती हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं और थोड़ी देर में देखते हैं शाम के टाइम पर कहाँ जाते हैं और क्या क्या होता है। ठीक है, बाय बाय।